नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश, आपका स्वागत है दीक्षा सेंटर यूट्यूब चैनल पर। देखो, पाइप एंड सिस्टम का जो हम लोग क्लास कर रहे थे तो ऑलरेडी एक वीडियो अपलोडेड है, वो देख लो और ये वीडियो देख लो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो पाएगा। और एक वीडियो हम लोग कल अपलोड कर देंगे जिसमें थोड़ा सा एडवांस लेवल भी हम लोग देख लेंगे, सो दैट आपको अगर थोड़ा सा क्रिटिकल दे दे तो वो हम लोग का सॉल्व हो जाए। तो बहुत अच्छे सम से गाइस देखो, अच्छा से पूरा वीडियो को देखो, स्किप मत करो और हम बने रहो चैनल में। और पहली बार हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को क्लिक कर लो और अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक शेयर कर देना, ठीक है। तो देखो, पहला क्वेश्चन है, एक सिस्टर नॉर्मली फिल करता है 8 घंटा में, लेकिन उसमें लीक होने के लिए 2 घंटा ज़्यादा लेता है, ठीक है। मतलब 8 घंटा तो नॉर्मल लेता है, लीक होने के लिए वो 10 घंटा ले रहा है, ठीक है। अब बताया जा रहा है, बताओ जब सिस्टर फुल है तो लीक कितना देर में उसको एम्प्टी करेगा। तो हम लोग मान लेते हैं 8 घंटा और 10 घंटा, ठीक है, तो 2 घंटा ज़्यादा रह ला, तो इसका एलसीएम कर लेंगे 40 होगा, ठीक है। 40 होने से ये टोटल वर्क हो गया आपका। अब इसका एफिशिएंसी निकाल लोगे तो ये 5 और ये 4 आ गया। अब देखो क्या हो रहा है, क्योंकि लीक है तो ये तो आपका 5 जो था वो तो नॉर्मल ले रहा था, लीक होने से 4, तो डिफरेंस कितना है 5 और 4 का, 1। तो ये 1 ही जो है तो ये लीक के लिए हो रहा है, तो लीक अकेला करता तो 1 में करता तो टोटल वर्क कितना था 40, तो 40/1 कर दो तो 40 घंटा लगाएगा। तो एकदम इजी आप निकाल सकोगे, ठीक है। नहीं तो आपको क्या, हम लोग अगर फार्मूला से कहते क्या करते हैं 18 - 1/10 इसको प्रोसेस करते तो देखो सेम आएगा, एलसीएम कितना होगा 40, इसमें कितना होगा 4 और इसमें कितना होगा आपका 5 - 4, ठीक है, 5 - 4 मतलब देखो 1/40। अगर ऐसे हम लोग ब्रॉड जैसे करते हैं उसमें भी करोगे तो 1/40 आंसर आएगा। नेक्स्ट देख लो, अगर 3 पाइप है, 3 पाइप को एक ही साथ ओपन कर दोगे तो 12 घंटा में भर देगा। एक पाइप फिल करता है 10 घंटा में और एक पाइप फिल करता है 15 घंटा में, ठीक है। तो मतलब एक 12 घंटा में अगर तीनों पाइप को खोल दोगे तो 12 घंटा में कर देगा। और जो है ये दोनों 10 और 15 जो है प्लस कर रहा है, मतलब फिल कर रहा है, तो थर्ड पाइप कितना देर में ये इसको थर्ड पाइप करेगा तो आपको पूछा जा रहा है। तो क्या होगा देखो, हम लोग इसका एलसीएम निकालेंगे 10/12 60 का, 5/64 आ गया एफिशिएंसी। अब देखो दोनों तो फिल कर रहा था 10 और 15, तो दोनों को मिलाओगे कितना दोनों फिल कर रहा है, 6+4 10 हो जाएगा। और जो है 12 घंटा में कर रहा है तो इसका एफिशिएंसी कितना है 5, तो उसको माइनस करोगे तो कितना आ गया 5, ठीक है। तो थर्ड पाइप के लिए कितना एफिशिएंसी रहेगा 5, 60 से डिवाइड कर दो तो 12 घंटा आपका आ जाएगा। तो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में आप इसको कर सकते हो, ठीक है, नहीं तो आपको ब्रॉड में करना पड़ता, ठीक है। आपको क्या करना पड़ता ब्रॉड में, 1/12 ये भी करना पड़ता, 1/12 - 1/10 + 1/15, ठीक है, इसको माइनस इधर आता, -1/12 करना पड़ता ब्रॉड। तो वही है, हम लोग इसी में कर लेते हैं। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। अगर बोला जा रहा है पी एन क्यू एक सिस्टम को भरता है 24 घंटे में एंड 32 घंटे में, ठीक है, अगर दोनों पाइप को एक ही साथ ओपन कर दिया जाता है तो पूछा जा रहा है फर्स्ट पाइप को कितना देर बाद ऑफ करोगे सो दैट पूरा जो सिस्टम है वो 16 घंटा में भर जाए, ठीक है। तो एक याद रखो, 16 घंटा तक सेकेंड पाइप तो पूरा चल रहा था तो कितना भरेगा 16 घंटा में, तो 16/32 मतलब आधा भर देगा। और हम लोग मान लेते हैं 1 घंटे बाद वो बंद कर रहा है फर्स्ट पाइप को, ठीक है, तो पहला टाइम कितना लेता है 24, तो 1/24 + 16/32 दोनों मिला के पूरा टैंक भरेगा तो =1। अब हम लोग क्या करेंगे, ये 16/32 मतलब हाफ, 1 - हाफ करेंगे तो हाफ अभी भी बाकी है, तो 1 = 12 घंटा, तो आपका आंसर हो जाएगा 12 घंटा। नेक्स्ट देख लेते हैं, दोनों पाइप 24 मिनट में और 32 मिनट में भर सकता है, लेकिन पूछा जा रहा है बी कितने देर बाद क्लोज करेंगे सो दैट 18 मिनट में पूरा भर जाए, ठीक है, 18 मिनट में पूरा भर जाए। तो सिंपल देखो क्या है, 18 मिनट तक तो पूरा पहला वाला पूरा तक चलाएँ, तो 18/24 ये तो पहला पाइप जो है ए पाइप वो तो पूरा चला है ना 18/20, तो वो कितना भरता है देख लो, तो 18 करोगे उससे 1 से माइनस कर दो, क्योंकि 1 तो तुम्हारा टोटल काम है, तो 1 से माइनस करो, उतना पार्ट कौन करेगा 32 मिनट वाला सेकेंड पाइप, उसका टाइम कितना है 32 मिनट गुना कर दो 8 मिनट, आपका आंसर आ जाएगा फटाक से, आपका हो जाएगा 2-3 सेकेंड में। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये क्वेश्चन देखो थोड़ा लेंदी है, इसमें बताया जा रहा है अच्छा से समझो, इन व्हाट टाइम वुड अ सिस्टर्न बी फिल्ड, 3 पाइप दिया है जिसका डायमीटर दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर,
1/3 cm 2 cm, ठीक है। और लार्जेस्ट जो पाइप है वो अकेला भर सकता है 61 मिनट्स में, और जो वाटर फ्लो हो रहा है पाइप से वो होगा क्या, पाइप का स्क्वायर का डायमीटर का स्क्वायर के हिसाब से पानी फ्लो करेगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम लोग, देखो बहुत अच्छे से करेंगे। जो सबसे बड़ा है 1 मिनट 2 सेंटीमीटर सबसे बड़ा होता है, वो 1/60 61 टोटल मिनट कितना लेता है, 61, तो एक मिनट में कितना भरेगा, 1/61, चलो हो गया। अब एक मिनट में जिसका 1 सेंटीमीटर डायमीटर वो कितना करेगा, तो 1/61 तो करेगा क्योंकि ये बड़ा पाइप का आधा है, ये 2 सेंटीमीटर जो सबसे बड़ा है 1 सेंटीमीटर एकदम उसका आधा है, तो क्या करोगे, उसका डायमीटर आधा है तो उसका डायमीटर भी आधा हो जाएगा, तो हाफ से गुणा करोगे क्योंकि डायमीटर का स्क्वायर करने बोला है, तो आप स्क्वायर इसको करोगे, ठीक है, स्क्वायर कर दोगे, तो 1/61 × 1/4 आ रहा है। अब बताया जा रहा है जो 1/1/3 सेंटीमीटर वो क्या करेगा, देखो ये तो करेगा ही एक, ये इसका तो ये है जो 1 सेंटीमीटर के, तो ये तो रहेगा ही, और क्या रहेगा, इसका तुम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो, तो 3 × 3 = 4/3 का होल स्क्वायर, तो इसको काटोगे तो 1/61 × 4/9 आ रहा है। कैसे आ रहा है मैं बता दे रहा हूँ, देखो 1/61 × कितना था, 1/4 × 4 का स्क्वायर करोगे तो 16, और 3 का स्क्वायर करोगे तो 9, ये 4 से ये 4 कट गया तो 4, तो देखो ऊपर में 4 नीचे में 9, तो 4/9 आपका आ गया। अब क्या हो रहा है, ये पहला वाला ले रहा है 1/61, सेकेंड वाला ले रहा है 1/61 × 1/4, थर्ड वाला ले रहा है 1/61 × 4/9, सभी को ऐड करोगे तो 36 मिनट्स में आपका हो जाएगा। तो गाइज़ देखो ये इंपॉर्टेंट था, और एक वीडियो में थोड़ा सा टफ अगर रिलेटेड मिलता है मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से तो वो भी मैं अपडेट कर दूंगा। तो 3 वीडियो में आपका पाइप एंड सिस्टम पूरा कंप्लीट हो जाएगा गाइज़, बने रहो चैनल में, एक एक टॉपिक हम लोग कर रहे हैं सो दैट आपका एग्ज़ाम से पहले मेरा गारंटीड है मैं आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा, और हम लोग लॉ चैप्टर्स भी कर लेंगे, ठीक है, और बाकी जो जो थोड़ा अनकमन चैप्टर्स है उसको भी देख लेंगे, बाइनरी सिस्टम देख लेंगे, सो दैट क्या हुआ एक भी क्वेश्चन आपसे छूटे ना। तो चलो गाइज़ वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, फिर मिलते हैं नया वीडियो के साथ, टिल देन गुड बाय।